अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और दिव्यांग जगत संवाददाता सुपर हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी आगरा के सानिध्य में दिव्यांग अधिकार विशेषज्ञ सुखराम मीना के जवाब। सवाल, आवास योजना का फॉर्म कहाँ मिलेगा? जवाब, सरकार की वेबसाइट pmayz.nic.in को ओपन करने के बाद फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं या ग्राम सेवक से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सवाल, ग्रामीण आवास की नई लिस्ट कैसे देखें? जवाब, सरकार की वेबसाइट pmayz.nic.in को ओपन करना होगा। इसके बाद स्टेक होल्डर्स के विकल्प पर जाकर अपने गांव की नई आवास लिस्ट देख सकते हैं। सवाल, आवास योजना का पैसा कितने किस्तों में मिलता है? जवाब, आवास योजना का पैसा लाभार्थी के बैंक खाता में 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाता है। सवाल, विकलांगों को आवास कैसे मिलेगा? जवाब, इसकी सभी प्रक्रिया को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अगर आपने इस आर्टिकल का अंत तक अवलोकन किया है तो आपको पता चल गया होगा कि विकलांगों को आवास कैसे मिलेगा। नोट करें, दिव्यांगजनों को pmayz.nic.in भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी जाती है। वो उसके बाद BPL, EWS अन्य श्रेणियों को वरीयता दी जाती है। धन्यवाद। जरूरी जानकारी, बेरोजगार युवकों को मिलेगी सीधे इंटरव्यू द्वारा नौकरी, सबसे शेयर करें। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा जिले में 1 दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनियों में बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। युवा को भर्ती निम्न पदों पर की जाएगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, टेलीकॉलर, टीम लीडर, डिलीवरी बॉयज, सुरक्षा गार्ड, ऑपरेटर। इसमें 300 से अधिक पद और आयु 18 से 45 वर्ष तक की होगी। योग्यता 8वीं से लेकर स्नातकोत्तर किसी भी विषय में MBA तकनीकी योग्यता की जरूरत होगी। जरूरी दस्तावेज, समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतियां, आधार कार्ड की प्रतियां और बायोडाटा। दिनांक 30 जनवरी 2023 प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में। धन्यवाद। दिव्यांग के होम सेंटर को लेकर नई दिशा निर्देश। तोशियास के दिव्यांग ने इसके लिए प्रयास किया है जिसमें वह सफल हुए। पटना बिहार BPSC ने 12 फरवरी को होने वाले प्रारंभिक परीक्षा में दिव्यांग छात्रों के लिए होम सेंटर का प्रबंधन किया है। साथ ही इन अभ्यर्थियों की परीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर ही होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी इंटर के छात्रों को राइटर के रूप में रखने के लिए केंद्राधीश को आवेदन कर सकते हैं। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। OMR सेट में वाइटनर लगाने पर निगेटिव मार्किंग अभ्यर्थियों को दी जाएगी। विशेष निर्देश दिया गया है कि अगर OMR सेट पर वाइटनर का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। छात्रों को अब OMR सेट भरते समय ध्यान देना होगा। मुख्य बातें अभ्यर्थियों की संख्या 4,34,661, परीक्षा केंद्रों की संख्या 805, 38 जिलों में होगी परीक्षा। परीक्षा 12 फरवरी रविवार को 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। कुल पदों की संख्या 324, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल 150 है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 9:30 बजे से DM/SP केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किए जाने वाले स्टैटिक एवं जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रैंडम आधार पर करना होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगेगी। धन्यवाद। नमस्कार। आवश्यक सूचना, मनरेगा में दिव्यांगों को रोजगार के अवसर। आप सभी दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि
मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में 25 मजदूर पर एक प्रति पंचायत 10 मेट का चयन होना है तथा मेट के चयन में 8वीं पास से ऊपर अधिकतम योग्यता रखने वाले दिव्यांगों को प्राथमिकता है। इस फॉर्म को भरकर उसके साथ आप अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उस पंचायत का निवासी हेतु निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता एवं आधार कार्ड का छाया प्रति संलग्न कर आप अपने पंचायत के मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, जीविका के ग्राम संगठन, प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को हाथों हाथ जमा कर निबंधित डाक से भेज सकते हैं। हाथों हाथ जमा करके आवेदन की छाया प्रति पर रिसीविंग जरूर ले अथवा पूर्वी चंपारण जिले के दिव्यांगजन बिहार दिव्यांग संघ के कार्यालय मोतिहारी में जमा कर सकते हैं, जहां से संबंधित मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, जीविका के प्रखंड जीविका परियोजना प्रबंध, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को उचित माध्यम से जमा कराया जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। 26 जनवरी 2023 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारी संस्था ARVP द्वारा अल्बर्ट हॉल राम निवास बाग जयपुर शहर में हमारे दिव्यांग साथियों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें अतिथिगणों के रूप श्रीमती अर्चना शर्मा अध्यक्ष, समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार, श्री रजत जी विश्नोई पार्षद वार्ड 9 ब्रह्मपुरी जयपुर, श्रीमती बिंदु वर्मा पार्षद सांभर, श्री ओम प्रकाश सैनी युवा नेता भारतीय जनता पार्टी आमेर एवं समाज सेवक श्री माननीय अभय तिवारी, श्रीमती रेखा तिवारी, श्रीमती पुष्पा अजमेरा, लक्ष्मी नारायण सैनी, कर्णीलाल जी, वसीम खान आदि ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर दिव्यांगों को हौसला बढ़ाना। श्रीमती अर्चना जी ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रोग्राम में लड्डू खिलाकर समस्त दिव्यांग साथियों का मुंह मीठा करवाया। मैं इन सभी जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर हमारे बीच पहुँचकर हमारे आयोजन को सफल बनाया। एवं मेरे समस्त दिव्यांग भाई बहनों को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। जय श्री कृष्ण। महेश कुमार साहू अध्यक्ष, अखिल राजस्थान विकलांग परिषद जयपुर, राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन, तेली पिछड़ा वैश्य महासभा राजस्थान, दिव्यांग प्रकोष्ठ, महेश कुमार साहू। मोबाइल नंबर 8209310911 और 9663746693। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जिला पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 दरभंगा ट्रैक इवेंट 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर। व्हीलचेयर इवेंट 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर। थ्रोइंग इवेंट्स शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, क्लब थ्रो। जिला कोऑर्डिनेटर दरभंगा गोविंद कुमार सहनी 7494085509। आयोजक बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन। धन्यवाद। कक्षा 2 के दिव्यांग छात्र ने शीर्षासन में बनाया विश्व रिकॉर्ड। दर्शकों, ये है दिव्यांग शुक्ल की अखबारों में छपी तस्वीर शीर्षासन करते हुए। बहराज कक्षा 2 के दिव्यांग छात्र दिव्यांशु शुक्ल ने 44 मिनट तक सेकंड शीर्षासन कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बहराइच के किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को सामूहिक योगासन कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय अजीजपुर के छात्र
दिव्यांशु ने ये कमाल कर दिखाया। वही 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा बीते 9 अगस्त को 59:15 तक किए गए शीर्षासन को भी विश्व रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। इनके अलावा कार्यक्रम में 20 अन्य विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए। धन्यवाद।